इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है लीना नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि एक बहुत ही सेपरेटेड चैम्बर में मौजूद थी। लीना के चारों तरफ कई सारे लोग मौजूद होते हैं जो कि उसे घूर घूर कर देख रहे थे। अब उस चैम्बर के अंदर कुछ लोग रेडियो एक्टिव सूट पहनकर आ जाते हैं और लीना से कुछ पूछताछ करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी लीना से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे पास इतने दिन तक सरवाइव करने के लिए रिसोर्सेस कहाँ से आए, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि लीना कुछ लोगों के साथ एक मिशन पर गई थी। लेकिन सभी लोग ज्यादा चौंक गए क्योंकि लीना उस मिशन से अकेली वापस आई थी और उनके पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों के खाने पीने का सामान था। लेकिन लीना तो वहाँ पर पूरे 5 महीने रहकर आई थी बिना कोई खाना पानी के। यही बात वो सभी लोग लीना से पूछ रहे थे कि आखिरकार तुमने वहाँ पर क्या देखा और उसके सारे रेफरेंसेस कहाँ से मिले। लीना तो सिंपल ये कहती है कि मुझे इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, और जो 5 महीने आप बात कर रहे हो, मैं तो उस जगह पर सिर्फ 5 दिन ही रही थी, उसके बाद ही मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ गई। सभी लोग ये बात जानकर एकदम शॉक हो जाते हैं कि शायद वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन एक अलग ही तरीके से चलता है, जो कि पृथ्वी वाली टाइमलाइन से एकदम अलग हो सकता था। अब तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का सीन वहीं पर ब्लैंक हो जाता है। हमें अब अंतरिक्ष में एक टूटता हुआ तारा दिखाई दिया जो कि डायरेक्टली ट्रेवल करते हुए पृथ्वी पर मौजूद एक बड़े से लाइट हाउस के अंदर आकर गिर जाता है। उस धमाके के थोड़े ही देर बाद हमें उस लाइट हाउस के अंदर कुछ अजीब सी चीज दिखाई जा रही थी, जो शायद उस तारे में से निकल रही होती है, और वो काफी अजीब तरीके का क्रिएचर लग रही थी। उस अजीब से क्रिएचर के बॉडी में से काफी रेडिएशन निकलने लगी, जैसे कि वो पृथ्वी पर कुछ फैला रहा हो। पर आखिरकार इस चीज का रिलेशन लीना से कैसे हो सकता है, ये हमें थोड़ी देर में पता चली जाएगा। अब हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि लीना एक प्रोफेसर का काम किया करती थी। लीना अपने सारे स्टूडेंट्स को इस समय सेलुलर बायोलॉजी पढ़ा रही होती है, जिसमें कि वो सभी को सेल्स के बारे में बता रही थी, जो हमारे इंसानी बॉडी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लीना ने तो अपने सारे स्टूडेंट्स को बताना स्टार्ट कर दिया कि सेल्स के बिना हम कुछ भी नहीं। हर एक एनिमल्स और हर एक इंसान के बीच जो डिफरेंशिएशन होता है और जिस छोटी चीज से हम बने हैं, वो सेल्स कहलाते हैं। सेल्स के अंदर खुद को रीजनरेट और रेप्लिकेट करने की एबिलिटीज थी, इसलिए जब भी हमें कुछ छोटी सी चोट लगती है तो वो धीरे धीरे रीजनरेट हो जाती है, क्योंकि वो सेल्स खुद को रेप्लिकेट करते हुए घाव को भर देते थे। सभी को लीना की ये पढ़ाने की टेक्निक काफी अच्छी लगती, इसीलिए सारे बच्चे लीना की काफी तारीफ भी किया करते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि लीना किस डिप्रेशन से गुजर रही है। अब क्लास खत्म होने के बाद डैनियल नाम का एक प्रोफेसर लीना को अपने बारबेक्यू पार्टी में इन्वाइट करता है। हालांकि लीना ने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में होती है। और फिर ये पता चला कि लीना कई महीनों से बिना किसी दोस्तों से मिल रही है और सिर्फ वो अपने घर में ही रहती है। लीना वापस से अपने घर में आ गई, तब जाकर हमें पता चला कि उसका हस्बैंड, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर था, कुछ ही महीनों पहले उसे कॉल आया होता है कि उसका हस्बैंड एक जंग में मारा गया। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा अकेली हो जाती है और खुद को डिप्रेशन में डालने लगती है अकेला रहकर। उसने तो घर से बाहर और रिलेटिव से मिलना भी पूरी तरीके से छोड़ दिया था। लेकिन अब थोड़ी देर के अंदर अचानक घर में लीना का हस्बैंड, जिसका नाम केन होता है, वो वापस आ चुका था। लीना तो केन को देखकर काफी ज्यादा चौंक गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ऑफिसर्स ने तो कहा था कि मेरा हस्बैंड मारा जा चुका है। फिर भी इन बातों को बुलाकर लीना तुरंत ही केन के गले जाकर लग जाती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जरूर ये केन के मिशन का एक पार्ट होगा, जिसमें कि उसकी मौत का एक नाटक बनाया जाए। लीना ने तो पुरानी पास्ट की बातें सब भुला दी थी, और अब वो अपने हस्बैंड केन के साथ बातें करने लग जाती है और उसे बिठाकर सारी सच्चाई भी पूछती है। लेकिन केन का बिहेवियर पहले से एकदम अलग लग रहा था। वो तो लीना को ज्यादा कुछ बोलता नहीं और पानी का ग्लास उठाकर पीने लगता है। अगले ही मोमेंट में अचानक से केन की तबीयत काफी खराब होने लगी थी। केन की हालत पहले से खराब हो चुकी थी और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है, इसीलिए अब बिना देरी के लीना ने एम्बुलेंस को बुलाया और अपने हस्बैंड को दूर लेकर जाने लगी। पर थोड़ी ही देर बाद कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की वैन उस एम्बुलेंस का पीछा करने लग जाती है। उन्होंने तुरंत ही एम्बुलेंस को रोक दिया और केन को उठाकर दूसरी जगह लेकर जाने लगे। साथ ही साथ ऑफिसर्स ने लीना को बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा दिया। लीना तुरंत ही अनकॉन्शियस हो गई थी। जब थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलती है तो वो एक अलग ही जगह पर मौजूद थी। ये गवर्नमेंट की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें कि उसका हस्बैंड केन भी काम किया करता था। अब उस जगह के डायरेक्टर, जिसका नाम डॉक्टर वेंट्रेस था, वो लीना को समझाने लगी कि हमने तुम्हारे हस्बैंड और कई सारे ग्रुप को एक मिशन पर भेजा था। इस मिशन का नाम द सैमर होता है। वेंट्रेस ने तो लीना को उस जगह पर लेकर जाके दिखाया कि किस तरीके से एक अजीब तरीके की रेडिएशन चारों तरफ फैल रही है। वहां पर तो एक अजीब तरीके की दीवार बन चुकी थी, जो धीरे धीरे
धीरे बढ़ती जाती है। दरअसल बात यह होती है कि ये वही जगह थी जिस लाइट हाउस के ऊपर वो बड़ा सा तारा आकर गिरा था। उसके अंदर जो एलियनॉइड वाली चीज होती है उसी ने ही चारों तरफ रेडिएशन फैलाना स्टार्ट कर दिया, और ये रेडिएशन की इंटेंसिटी चारों तरफ बढ़ती जा रही है जो धीरे धीरे सारे पेड़ पौधों को अपने अंदर ले ले रही थी। विंटर्स और उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि इसे जल्द से जल्द रोका जाए, क्योंकि इस तरीके से तो ये पूरे पृथ्वी को ही अपने अंडर ले लेगी। इसी वजह से उन्होंने कई सारे मिशंस और कई सारे लोगों को उसके अंदर भेजा था, पर अब तक कोई भी वापस नहीं आया है सिवाय तुम्हारे हस्बैंड केन के। लेकिन उनके ऑर्गेनाइजेशन वालों को अब समझ नहीं रहा है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, या फिर कोई अनजान सी एलियन स्पीशीज हमारी पृथ्वी पर आकर ये चीजें परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि उन्हें पृथ्वी को भी अपना हैबिटेबल प्लैनेट बनाना था जहां इंसानों के अलावा सिर्फ और सिर्फ एलियन सिविलाइजेशन रहेगी। वेंट्रेस तो लीना को सारी चीजें क्लियर करती है कि भले ही तुम्हारा हस्बैंड उस जगह से वापस बाहर आ चुका है और उसका रीजन हमें बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन उसके बाद से ही तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी में काफी सारे ऑर्गन डैमेज हो चुके थे, इसीलिए अब हमें पता करना होगा कि इस रेडिएशन को पावर कहां से मिल रही है, और ये सब उसके अंदर ही जाकर हो सकता था। अब लीना को यहां पर वापस घर पर भी नहीं भेज सकते थे, क्योंकि उसे इस सीक्रेट मिशन के बारे में पता चल चुका होता है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक लीना कहीं भी नहीं जा सकती। इसीलिए अब लीना भी अपने हस्बैंड की देखरेख करने के लिए यहां रुक जाती है। अब यहां लीना को अपने हस्बैंड द्वारा बिताए गए पुराने समय याद आ रहा था। वो दोनों तो एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज थे और काफी एंजॉय भी करते थे। हमें यहां पता चलता है कि लीना भी कुछ समय पहले मिलिट्री के लिए काम किया करती थी, लेकिन उसने सेल्यूलर बायोलॉजी पढ़ाने के लिए ये जॉब छोड़ दी। यानी कि लीना को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस है इन सारे मिलिट्री प्रोसेसेस का। अब ये सारी चीजें प्रेजेंट टाइम में आ जाती हैं, जहां पर लीना अपने बाकी सारे मेंबर से मिल रही थी। दरअसल वेंट्रेस ने डिसाइड किया होता है कि कुछ फीमेल्स को उस रेडिएशन के अंदर भेजा जाए, जिनका मेन मकसद होगा कि रेडिएशन के मेन पावर सोर्स का पता लगाना। लीना तो उन सारी लेडीज से मिल रही थी जो कि तैयार होती हैं, और चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्हें इस बारे में पता था कि अंदर जाने पर वापस आने के चांसेस काफी कम हैं, लेकिन फिर भी वो लेडीज ट्राई करने के लिए तैयार थी। लीना ने तो उन्हें बिल्कुल नहीं बताया था कि केन उसका हस्बैंड है, वो इन सारी चीजों को उनसे सीक्रेट रखती है। पूरी रात भर सोचने के बाद लीना भी डिसाइड कर लेती है कि वो उनके साथ रेडिएशन वाले एरिया में जाएगी, क्योंकि उसे भी पता करना था कि आखिर उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ। वेंट्रेस से परमिशन मांगने के बाद लीना को अलाउ कर दिया जाता है इस मिशन में ज्वाइन होने के लिए। इसीलिए अब अगला दिन होते ही सभी लोग निकल पड़े थे उस रेडिएशन वाले एरिया के अंदर। वेंट्रेस उन सभी की लीडर थी और वो इस मिशन में गाइड भी करेगी। अब वो सभी लोग रेडिएशन के एकदम स्टार्टिंग में ही खड़े थे। यहां से उन्हें डिसाइड करना था कि वो आगे जाएंगे या फिर पीछे बढ़ेंगे, क्योंकि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता। सभी थोड़ा सा डर रहे होते हैं, तभी वेंट्रेस एकदम आगे आती है और उस रेडिएशन के अंदर तुरंत ही घुस जाती है। उसका देखकर बाकी लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिली, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगी। जैसे ही वो सारे लोग रेडिएशन के अंदर पहुंचे, तभी उन्होंने नोटिस किया कि वो एक टेंट के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। उन्हें ये बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि वो इस टेंट के अंदर आए कैसे और ये सारा सेटअप उन्होंने कब किया। सारे सामान देखने के बाद ये पता चला कि उनके रिसोर्सेस और खाने की चीजें पूरी तरीके से सड़ चुकी हैं, जैसे कि इन्हें कितने दिनों से खाया ना गया हो। ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से लग रही थी कि उन लोगों को यहाँ रहते हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनके लिए तो रेडिएशन के अंदर आए हुए कुछ सेकंड से हुए थे। वहां पर उन्हें डायरेक्शन देखनी थी, लेकिन सारी कंपास और पूरी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें एकदम से बंद हो चुकी होती हैं। यही रीजन था कि जो भी इंसान इस रेडिएशन के अंदर आ रहा था वो अपने मिलिट्री बेस से कनेक्ट नहीं कर पाते। ये सब तो शायद इसी फैले गए रेडिएशन की वजह से हो सकता था। पर वेंट्रेस इस तरीके से रुक कर अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकती थी, इसीलिए जिस जगह से लगातार रोशनी आ रही थी वो उसे फॉलो करने लगी और आगे बढ़ने लगी। लगातार आगे बढ़ते रहने के बाद लीना और उसकी पूरी टीम वाले नोटिस करते हैं कि वहाँ बहुत ही अजीब तरीके के पेड़ पौधे उग चुके हैं। काफी घने फॉरेस्ट से गुजरते हुए वो एक घर के पास पहुंच जाते हैं, जिसके थोड़ा और पास जाकर देखने पर लीना को काफी अलग अलग स्पीशीज के फूल दिखाई दिए थे, लेकिन उन्हें छूकर देखने पर ये पता चला कि ये सारे अलग स्पीशीज वाले फूल एक ही पेड़ की जड़ों से बने हुए हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई भी ट्री एक ही टाइप के फूल को जनरेट कर सकता था। आखिर इस तरीके से कैसे म्यूटेशन और हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो रहा है ये लीना को नहीं समझता। जरूर इस जगह की रेडिएशन की वजह से हो रहा होगा, जिसमें कि फूलों के सेल्स ही चेंज हो जा रहे हैं और वो अपग्रेड होकर किसी दूसरे स्पीशीज में कन्वर्ट हो जा रहे थे। सभी लोग उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने लगे कि उन्हें कुछ मिल जाए। तभी अचानक लीसा नाम की एक दूसरी मेंबर के ऊपर किसी खतरनाक चीज ने पानी में हमला कर दिया। ये कुछ और नहीं बल्कि एक
एक खतरनाक मगरमच्छ होता है जो कि पानी से बाहर निकलने पर भी काफी तेजी से भाग रहा था। उससे बचने के लिए सभी लोग पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब लीना सामने आई तो वो अपनी मिलिट्री वाली स्किल्स का यूज करके काफी सारी गन फायर करती है और उस मगरमच्छ को बहुत ही आसानी से मार देती है। पर उसके मरने के बाद लीना ने एक चीज नोटिस की कि उस मगरमच्छ के दांत काफी अजीब थे। दरअसल ये दांत तो किसी शार्क की तरह दिख रहे होते हैं जो किसी भी मगरमच्छ के बॉडी में नहीं प्रेजेंट होते। लीना को तो बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि आखिर ये किस तरीके का म्यूटेशन इस जगह पर हो रहा है। फिर भी वो सब आगे बढ़ने लगे थे उन सारे रेडिएशन के मेन सोर्स का पता लगाने के लिए। रास्ते में उन्हें पानी के अंदर काफी अजीब स्पीशीज के जानवर भी मिलते हैं और अब तो कुछ म्यूटेशन का असर उनकी बॉडी पर भी होने लगा था। यानी कि जैसे जैसे वो सभी लोग मेन सोर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे उनके ऊपर भी हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई होगा और उनकी सेल्स बदलने लगेंगे। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वेंट्रेस को कैंसर है और उसके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ था। लीसा नाम की एक लेडी तो बताती है कि इससे पहले मैं बहुत ही ज्यादा ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी, लेकिन कैसे भी करके मैंने वो सारी चीजें छोड़ी और मिलिट्री ज्वाइन कर ली। अब देखते ही देखते वो सभी लोग काफी आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने तो फॉरेस्ट का आधा रास्ता क्रॉस कर लिया था और वो एक खुली जगह पर पहुंच गए। अब वो सभी लोग ट्रेवल करते हुए एक मिलिट्री बेस कैंप में पहुंच जाते हैं जहां पर सारे सोल्जर्स आकर रुकने वाले थे। अंदर जाने के बाद तो वो शॉक हो गए दीवारों पर बने हुए एक अजीब तरीके के स्ट्रक्चर से जो कि किसी एल्गी की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन ये एल्गी की तरह ही काफी म्यूटेशन वाले फंगस होते हैं जो लगातार फैल रहे थे। लीना तो लगातार उन सारी चीजों का सैंपल अपने पास कलेक्ट करके रख लेती है। अब थोड़ी छानबीन करने के बाद उन्हें प्रीवियस मिशन वाले सोल्जर्स का एक वीडियो कैमरा मिलता है जिसके अंदर का वीडियो प्ले करने पर पता चला कि ये तो केन और उसके साथियों का ही है, जिसमें कि केन अपने एक साथी को मार रहा होता है क्योंकि उस सोल्जर के बॉडी में काफी चेंजेस होने लगे और किसी सांप जैसी क्वालिटी उसके अंदर आ चुकी होती है। ये चीजें इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि देखने में उन्हें डर लग रहा था। लीना तो बहुत ज्यादा चौंक गई कि आखिरकार केन इस मुसीबत में कैसे फंस गया और वापस कैसे निकला। बाहर आने पर उन्हें वही सोल्जर दिखाया जाता है जो कि उन अलगाय के साथ मिल चुका था। उसका तो पूरा स्केलेटन दिखाई दे रहा होता है। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद भी वो लेडीज डरती नहीं। उन्हें किसी भी तरीके से मेन सोर्स को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन लीसा यहाँ पर कह रही थी कि मुझे अजीब तरीके के विजन्स आ रहे हैं और वो काफी गुस्सा भी हो गई, पर फिर भी उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। अब हमें यहाँ लीसा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने हस्बैंड केन से बातें कर रही थी। ये तब का समय होता है जब केन उस मिशन पर जाने वाला था और अपनी वाइफ से आखिरी बार मिलने के लिए आता है। केन को पता था कि जिस मिशन के ऊपर वो जा रहा है वो वहाँ से जिंदा नहीं लौटने वाला, इसीलिए वो अपनी वाइफ को एक बार आई लव यू कहता है और वहाँ से जाने लगता है। लीना तो उसे किस करना चाहती थी पर केन ने उसे मना कर दिया, जैसे कि वो किसी बात पर गुस्सा है और अपनी वाइफ से नहीं मिलना चाहता। यही सारी बातें लीना को परेशान कर रही थी कि आखिरकार ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अब लीना यहाँ पर सभी के सोने के बाद क्रोकोडाइल द्वारा लिए गए डीएनए को एक्सपेरिमेंट करके चेक कर रही होती है। तभी उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके अंदर मौजूद सेल्स मरने के बाद भी म्यूटेट हो रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी ह्यूमन सेल से डेवलप होने की काफी ज्यादा थी। यही रीजन होता है कि चाहे पेड़ पौधे हो या जानवर, इस जगह पर कोई कैसे भी म्यूटेट हो रहा था, सिर्फ उन्हें दूसरी स्पीशीज के डीएनए चाहिए थे। अब लीना को काफी ज्यादा टेंशन आने लगता है कि आखिरकार वो सभी लोग इस जगह पर क्यों आए और उसके हस्बैंड ने इस तरीके से इस मिशन को क्यों चूज किया जिसमें कि जान का खतरा हो। लीना अब डायरेक्टली वेंट्रेस के पास आ जाती है और उसे कहती है कि आप लोगों ने मेरे हस्बैंड को इसमें शामिल क्यों किया। तब जाकर वेंट्रेस एक डार्क सीक्रेट बताती है। वेंट्रेस कह रही थी कि इसका असली रीजन तुम हो। तुम्हारा हस्बैंड केन तुम्हारी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो तुमसे दूर जाना चाहता था। दरअसल यहाँ पर सच्चाई ये होती है कि केन को पता चल चुका था कि लीना का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और ये अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि उसी के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले डैनियल नाम के उस आदमी से की थी। और डैनियल उस समय जब लीना से उसके घर पर पार्टी पर आने के लिए पूछ रहा था तो ये इनडायरेक्टली उनके संबंध बनाने के ऊपर होता है। और अब शायद किसी ने किसी रीजन की वजह से केन को लीना इस मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल चुका था और ये बातें पता चलने पर केन पूरी तरीके से टूट चुका था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो लीना से जबरदस्ती करे और उसे छोड़ने के लिए कह दे। इसीलिए एक समय के बाद केन ने डिसाइड किया कि वो सुसाइड नहीं करेगा लेकिन लीना से काफी दूर चला जाएगा। और इन्हीं रीजंस की वजह से केन ने इस खतरनाक मिशन को चूज किया था। इस मिशन के अंदर पहली रिक्वायरमेंट ही होती है कि जिन सोल्जर्स को जीने का बिल्कुल मन नहीं है वो इसमें आगे बढ़ सकते थे और केन ने तो उस मिशन में खुद ही इनरोल किया था। लीना को जब ये सारी बातें पता चली तो वो एकदम से शॉक रह गई और प्रे कर रही थी कि प्लीज ये रीजन ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो अपने आप को माफ कभी नहीं कर पाएगी।
सुबह होने पर ही लीना का दिमाग काफी फट रहा था, पर वेंट्रेस कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाली और उस सोर्स को ढूंढ कर रहूंगी। अब सभी लोग वहाँ पहरेदारी कर ही रहे थे, तभी अचानक फॉरेस्ट के अंदर से एक खतरनाक और बहुत ही बड़ा भालू निकल कर आता है, जिसने कि उनके एक साथी को पकड़ लिया और उसे लेकर चला गया। अंधेरा होने के कारण कोई भी उसे देख नहीं पाता, इसीलिए फायर भी नहीं कर पा रहे थे। अफसोस की बात ये होती है कि उन चारों में से अब एक कम हो चुका है। हालांकि इतनी खतरनाक चीजें होने के बाद भी वेंट्रेस रुकती नहीं। उसने कहा कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, भले ही तुम मेरा साथ दो भी या ना दो। वो सभी लोग अब वेंट्रेस की बात मानकर फॉरेस्ट में जैसे ही निकलते हैं, तभी उन्हें कुछ ऐसे जानवर और हिरन दिखाई दे रहे थे जो एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। दोनों हिरन एकदम सिंक में आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि मिरर इमेज सामने रख दी गई हो। चलते चलते उन्हें फॉरेस्ट के अंदर अपने साथी की डेड बॉडी भी दिखाई देती है। अब उसे आखिरी बार प्रे करके वो लोग आगे फॉरेस्ट के एरिया की तरफ बढ़ गए थे। वो सभी लोग तो लाइट हाउस के काफी पास पहुंच जाते हैं और उस जगह पर इंसानों के जैसे काफी फॉसिल्स बनाए गए थे। आखिर ये चीजें अपने आप कैसे बनी है और लाइट हाउस के अंदर क्या था, ये तो हमें अब पार्ट टू में ही पता चलेगा। इसीलिए साथ पार्ट वन वाली कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको जानना है नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिख दो पार्ट टू, मैं जल्द से जल्द उसका पार्ट टू भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तो फिर बाय बाय।